अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैनेजमेंट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग 51 से लेके 100 तक MCQs डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों के पास, आपको बताती चलूँ, एक सीरीज़ स्टार्ट की गई थी जिसमें हम लोग लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गैट सब्जेक्ट, इस सब के हवाले से प्रेपरेशन कर रहे थे। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारे पास 51 MCQs है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड हाउ पस टू अचीव देम इज कॉल्ड। कहते हैं कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर इज प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं उस ऑब्जेक्टिव को बेस्ट वे में अचीव कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग रिजल्ट विद प्लेन ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड इफ नेसेसरी करेक्शन इज कॉल्ड। कहते हैं कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि हम लोगों ने जैसे प्लानिंग की थी एज इट इज काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग के अंदर चेक एंड बैलेंस किया जाता है, हर एक चीज को चेक किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद डेमोंस्ट्रेटिंग बाय एग्जांपल, ठीक, एंड बाय टीचिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग इम्प्लाइज। तो ये टीचिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, ये सारा देना किसका काम होता है, ये लीडिंग के अंदर आता है क्योंकि ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मैनेजमेंट का फंक्शन जिसके अंदर हम अरेंज करते हैं अपने स्टाफ को, अपने इम्प्लाइज को, अपने वर्कर्स को, तो ये किस में होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं प्रॉपर फॉर्म में। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट में कहते हैं कि हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ कैनेडा विच हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन कैनेडियन मैनेजमेंट। तो क्या कहते हैं कि कैनेडा के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक फीचर है जो कैनेडियन मैनेजमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। तो इसके ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वहाँ की जो जियोग्राफी है, वहाँ की जो फैमिली इनकम्स हैं और वहाँ की हैवी डिपेंडेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। देन 56 में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास जो टाइटल है चेयरमैन का, CEO और COO आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये जो हमारे पास चेयरमैन हैं, CEO हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारे पास टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एबिलिटी टू वर्क इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। कहते हैं हमारी जो एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम लोग सोचते हैं एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में, यानी प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं और उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, ये कि कौन सी स्किल होती है हमारी, ये हमारे पास कंसेप्चुअल स्किल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास डिसीजनल रोल में इनमें से कौन सा आता है, क्या एग्जांपल है डिसीजनल रोल की, तो फिगर हेड जो है तो उसकी एग्जांपल है। फिर कहते हैं कि मिंट्सबर्ग जो थे उन्होंने जो मैनेजरियल रोल डिफाइन किए, वो उसके अंदर हमारे पास जो है किस चीज़ को जो है तो ब्रोकन डाउन किया जा सकता है, यानी कौन से तीन थे हमारे पास, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, तीन इंपॉर्टेंट रोल उसके अंदर डिस्कस किए गए थे। द राइट आंसर इज डिसीजनल, यानी ऑप्शन बी। देन हमारे पास कहते हैं कि द थ्योरी दैट देयर इज वन बेस्ट वे टू डू एनी पार्टिकुलर जॉब, किसी भी जॉब को करने के लिए हम बेस्ट वे को देखेंगे, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर हमने देखा था। देन हमारे पास कह रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रूल ऑफ थंब फॉलो किया जाता है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है। थ्योरी जी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, विलियम ऑच। देन हमारे पास आता है द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट प्रिस्पेसेस दैट फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ बेस्ट आंसर एंड व्हाट द मैनेजर्स टास्क टू फाइंड द आंसर एंड अप्लाई इन यूनिवर्सली इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास यूनिवर्सलिस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट आता है मिकल पोर्टर जो था, तो उसने कौन सी चीज को डिफाइन किया था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंदर, तो उसने फीडबैक के कंसेप्ट को डिफाइन किया था। कंसेप्चुअल स्किल्स जो हैं उनका ताल्लुक मैनेजमेंट के किस लेवल से होता है, टॉप मैनेजमेंट के साथ होता है। देन हमारे पास आता है जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अ स्ट्रक्चर वेयर देयर आर लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यूर एंड फ्यूर पीपल ऑन ईच वर्टिकली हायर लेवल। ठीक, ये लोग जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी अ क्रिटिकल एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की क्रिटिकल एडवांटेज हमारे पास कौन सी आती है, इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड ऑन फोकस ऑन व्हाट इज गुड फॉर द बिजनेस रादर देन द डिपार्टमेंट। कि इसके अंदर हम देखते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर बिजनेस के लिए क्या चीज अच्छी है, ना कि डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम इज लीस्ट लाइकली टू बी अ कंसिक्वेंस टू अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल है ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। डेलीगेशन इज डिफाइंड एज, डेलीगेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, पासिंग अथॉरिटी डाउन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक, देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर टू बी एन एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन, इट इंश्योर्स दैट कंट्रोल रिमेन सेंट्रलाइज। ठीक, तो ये हमारे पास एडवांटेज आती है डेलीगेशन के, कंट्रोल जो है वो क्या कहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा ऑलवेज। देन हमारे पास आता है कि डिलेइंग इन मोस्ट लाइकली टू अक्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये किसके अंदर हमारे पास होता है, जब हमारे पास इकोनॉमिक रिसेशन होता है उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर टू बी अ लाइकली बेनिफिट ऑफ डिलेइंग, तो इसमें हमारे पास नैरो द स्पेन ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल को नैरो कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टाफ मैनेजर इज एक्यूरेट, टू डू नॉट हैव लाइन अथॉरिटी ओवर अदर्स। ठीक है, तो स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास जो है एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या थी कि दे डू नॉट हैव लाइन अथॉरिटी ओवर अदर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रोल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, ये रोल जो है रोल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये चीज़ नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सी एडवांटेज आती है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की, स्टाफ इज एम्पावर्ड एंड मे बी मोर मोटिवेटेड, ये हमारे पास सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की एडवांटेज आती है। वर्क स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो नाउन एज, वर्क स्पेशलाइजेशन के लिए दूसरी टर्म यूज होती है डिवीजन ऑफ लेबर की। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है इज द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टूगेदर, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हमारे पास जो जॉब्स होती हैं उसको क्या कर दिया जाता है, आपस में ग्रुप की शक्ल में जो है तो डिवाइड कर दिया जाता है। द डैश इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट, तो चेन ऑफ कमांड हमारे पास है जो टॉप से लोअर की तरफ मूव कर रही होती है। देन हमारे पास आता है सेंट्रलाइजेशन जो है ये कौन सा कंसेप्ट है, डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग जो है क्या करते हैं कि सबसे जो है सबसे मर्जी पूछ के उसके बाद कोई डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है। मोस्ट स्मॉल बिजनेस आर ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि कंसेप्ट जो है अंडरलाइज ऑल ब्यूरोक्रेसीज, तो वो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा कंसेप्ट है। फिर हमारे पास जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ये कंबाइन करती है टू फॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी फंक्शनल और प्रोडक्ट हमारे पास किस में आ जाते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, यानी कि क्लियर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन पाई जाती है एक्टिविटीज के दरमियान में, और पावर के लिए स्ट्रगल जो होते हैं उसको इलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
A virtual organization relies primarily on outsourcing. कहते हैं जो virtual organization है वो किस के ऊपर rely कर रही होती है, outsourcing के ऊपर rely कर रही होती है. Then next हमारे पास कहते हैं कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसके अंदर हम लोग एक्सटेंसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन, हाई फॉर्मलाइजेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन सब की बात करते हैं. तो हमारे पास ये मैकेनिस्टिक है, हमारे पास जो है ऐसा एक हमारे पास मॉडल आता है. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन डैश ऑर्गेनाइजेशन यूज फ्लैट क्रॉस हायरार्किकल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स. तो हमारे पास हमेशा ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लैट क्रॉस हायरार्किकल और क्रॉस फंक्शनल कंसेप्ट आता है. ऑर्गेनाइजेशन दैट परस्यू अ कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी, तो ये हमारे पास कौन सी आती है, मैकेनिस्टिक्स. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है डैश रेफर टू हाउ अ फर्म कन्वर्ट इट्स आउटपुट इनटू इनपुट टू आउटपुट. तो टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम लोग कौन सी डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं, मिक्स डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करते हैं. देन हमारे पास क्रॉस फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम लोग कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है तो उसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस होना चाहिए, जियोग्राफिकल होना चाहिए, कस्टमर डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों की बात करें तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हम लोग जो है तो नंबर ऑफ पीपल को जो अकाउंटेबल होते हैं सिंगर मैनेजर के आगे उसको क्या कहते हैं, स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है. फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जब एक चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कनाडा को डिवाइड किया जाएगा मैरी टाइम्स रीजन्स के अंदर, तो ये चीज़ हमारे पास किस में आएगी, लोकेशन वाइज हम लोग डिस्कशन वो कर रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो डिसीजन इंजीनियर्स होते हैं एट फोर्ड एडवाइस वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास जो है तो ये सारी जो चीज़ें ये किसके अंदर आती हैं, किसकी एग्जांपल आती है, अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी की एग्जांपल में आती हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, तो कंपटीशन इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकता. एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का जो कल्चर है वो वहाँ का बिहेवियर रिचुअल्स और शेयर्ड मीनिंग की बात करेगा. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर, ठीक है डिस्कस किया हमने, कमिटमेंट की बात करेंगे, कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे और कंसिस्टेंसी की बात करेंगे. ये हमारे पास किस चीज़ की डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास कल्चर बिल्डिंग की डिस्टिंक्ट करैक्टरिस्टिक्स हैं. जो पर्सनल कन्विक्शन होती है जो कि एक स्पेसिफिक मोड में हम लोग जिसको चेक कर रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, वैल्यूज़ कहलाती हैं. फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास करेक्ट सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन किस टेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या होगी, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स और बिहेवियर की बात करते हैं. ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है मैनेजमेंट के मज़ीद 50 MCQs को डिस्कस करेंगे और देन हम लोग जो है तो फिर अपने HRM के पोर्शन की तरफ जाएंगे. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.